सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी मेहर हाय सजया है वे सारा शहर हल्दी रेडी और मुझे लेकर जा रही है सिनिन दीदी। मैं हल्दी रेडी मुझे लेकर जा रही है सिनिन दीदी। ये खुला है ना। मेरी हल्दी का टाइम था सुबह, इसीलिए सुबह सुबह तैयार होके हम लोग वेन्यू पहुंच गए। बाय द वे मेरा हेयर एंड मेकअप मैंने खुद किया है। हम लोग सब रेडी थे लेकिन कैमरा सेटअप चल रहा था और सीटिंग अरेंजमेंट का भी सेटअप चल रहा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई एंड उसके बाद मेरा हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हुआ। और ये मेरी अम्मी मुझे हल्दी लगा रही है। एक्चुअली हमारे में ये रिवाज है, जो ब्राइड को जो हल्दी लगेगी वो लड़के के साइड से आएगी, लड़के के घर से, और उसी सेम हल्दी लड़के को भी लगाया जाएगा उनके घर पे। तो हमारे में क्या हुआ, जब शादी का जोड़ा आया, जो एक पूरा बैग आता है जिसमें हल्दी मेहंदी सारे आउटफिट्स रहते हैं लड़के वालों की तरफ से, उसी बैग में उन्होंने कच्चे हल्दी भी हमें भेज दिया था। उसी कच्चे हल्दी को पीस कर मुझे लगाया गया था। बड़ों ने जब मुझे हल्दी लगा दिया था उसके बाद आई मेरी दीदी। मेरी दीदी के शादी के व्लॉग्स अगर आपने देखे तो आपको पता है मैंने उसको किस तरह से हल्दी लगाया था। अब उसको मौका मिला है, उसने मौका नहीं छोड़ा और पूरा रिवेंज लिया। आप लोग देखिए किस तरह से। सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, करता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। आप सबको पता है मेरा कोई भाई नहीं है, मैं और मेरी बड़ी दीदी, लेकिन बड़ी दीदी का 5 महीने का छोटा बच्चा। अब वेडिंग फंक्शंस कौन संभालेगा, लेकिन एक बात बताओ, आई हैव द बेस्ट सिस्टर्स इन द वर्ल्ड, सिनिन दीदी, मेरी दीदी स्नेहा। उन्होंने शादी में बहुत काम किया, स्पेशली मेरी दीदी और सिनिन दीदी, उन दोनों की वजह से मैंने अपनी शादी टेंशन फ्री होके एंजॉय किया। प्रोफाइल पिक्चर देखिए देखिए।
एंड यस आई नो आप में से कई लोग अब कमेंट करोगे कि आप लोग तो मुस्लिम हैं तो फिर सिंदूर क्यों लगाया है। एक्चुअली मेरे फादर के साइड ओकेशनली सिंदूर लगाया जाता है, कई जगहों के मुस्लिम्स भी लगाते हैं सिंदूर ओकेशनली, वैसे ही मेरे फादर के साइड मैरिड वुमन ओकेशनली सिंदूर लगाते हैं, इसीलिए मेरे इस हल्दी फंक्शन में कुछ मैरिड वुमन ने भी सिंदूर लगाया है। ऑल्सो हमारे में ये रिवाज है कि ब्राइड हल्दी के दिन जो भी पहनेगी ज्वेलरी भी वो बाद में नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से ये रियल फ्लावर्स से ज्वेलरी बनाए हैं। हल्दी में खूब इंजॉय किया, उसके बाद हम घर वापस आ गए क्योंकि शाम को है मेरा थुबड़ो फंक्शन जो कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।